नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव आणि सोनिया गांधी बिहारमध्ये येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा नारळ फोडणार आहेत. पाटण्याच्या ऐतिहासिक गांधी मैदानावर नीतीश कुमारांच्या नेतृत्वात होणाऱ्या या सभेत लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी एकाच मैदानावर असतील. दरम्यान राहुल गांधी मात्र या जाहीर सभेत उपस्थित राहणार नाहीत. या सभेला रेकॉर्ड ब्रेक कार्यकर्ते उपस्थित राहतील अशी अपेक्षा आहे. त्यादृष्टीनं पाटण्यात चोख सुरक्षा ठेवण्यात आली आहे. आज पाटण्यातले सगळे रस्ते गांधी मैदानकडे वाहत आहेत. पाटण्याच्या कानाकोपऱ्यात आज नीतीश को जितायंगे असे होर्डिंग्स लागले आहेत. मोदींनी बिहारमध्ये गेल्या महिनाभरात 4 सभा घेऊन घोषणांचा पाऊस पाडलाय. बिहारच्या विकासासाठी 25,00,000 कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं. नीतीश, लालू, सोनिया गांधींच्या महाआघाडीची ही पहिलीच जाहीर सभा आहे. त्यामुळे मोदींच्या घोषणांना नीतीश, लालू आणि सोनिया काय उत्तर देतात याकडे सगळ्यांचंच लक्ष लागलंय. मुलायम सिंह का पार्टी हो, सभी पार्टियों को लोगों को मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ. सभी लोग मौजूद हैं मंच पर और सभी लोगों को मैं स्वागत करती हूँ. बिहार के धरती पर आज गांधी मैदान में स्वाभिमान रैली को मंच पर उपस्थित सभी लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ. और आए हुए कोने कोने से बिहार के हमारे भाई बहन, बंधु, साथियों, मीडिया के लोगों, प्रशासन के लोगों, कोने कोने से आए हुए वो लोग के भी मैं संविधान रैली में आए हुए सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ. और जो आज संविधान रैली को बुलाया गया है 30 अगस्त को, ये संविधान रैली बीजेपी के लिए है. बीजेपी के लिए है कि बीजेपी कोने कोने में बिहार के नरेंद्र मोदी जो आ रहे हैं प्रधानमंत्री हैं, जो कोने कोने में लुकड़ सभा, बिहार के कोने कोने में लुकड़ सभा लोगों को स्वाभिमान रैली को जगाने का काम कर रहे हैं. इसीलिए इस स्वाभिमान रैली बिहार के जनता के अपमान करने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और बिहार को ठगने का काम किए हैं. बिहार को MP का चुनाव में जब ललकार रहे थे कि हम हाई करेंगे, हाउ करेंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, जॉब देंगे, बहाल करेंगे और काला धन लाएंगे, बाकी काला धन नहीं आया. जब किसी को नहीं मिला, 15-15 लाख गरीबों के खाता में नहीं गया. इसीलिए इस संविधान रैली बुलाया गया है. इस संविधान रैली को अपमान के बदला आने वाले चुनाव में, जो आने वाला चुनाव है उसमें बदला लेना है. हमारा यही अपील. Z24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.